सबसे पहले तो जयपुर की धरती पर आज लाखों लाख तादाद के अंदर आप लोग सुबह 10 बजे से एक एक हजार किलोमीटर दूर बाड़मेर से लेकर धौलपुर और डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक 36 कौम के किसान के बेटे, बुजुर्ग, माताएं बहने और जिस जोश और खरोश के साथ कल आपने जयपुर के अंदर रोड शो करके टेलर दिखाया था, आज आपने पूरे दोनों पार्टियों को पिक्चर दिखा दी राजस्थान के अंदर। इसके लिए मैं मेरे नौजवान भाइयों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। दो तीन जोरदार जयकारे आपको करने हैं। ये जयपुर गोविंद देव जी की धरती है, तो पहला जयकार आप करेंगे, जय बोले गोविंद देव जी भगवान की, जय बोले गजानन जी महाराज की, जय बोले वीर तेजा जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, जम्बेश्वर भगवान की, बजरंग बली की, जसनाथ जी महाराज की, देवनारायण भगवान की। अब बचे हुए 33,000 करोड़ देवी देवताओं की, मुझे पिछले एक महीने के अंदर इस राजस्थान के कोने कोने के अंदर जाके आप सबको आमंत्रण दिया, फिर भी कुछ जिलों के अंदर मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाया। उसके बावजूद जो जोश और उत्साह मेरे छोटे भाइयों ने राजस्थान के अंदर दिखाया है, इसे देख के लग रहा है कि परिवर्तन तो निश्चित है। एक पार्टी तो तीसरे नंबर पर जाएगी, वो कांग्रेस जाएगी या भारतीय जनता पार्टी, ये दो चार दिन के अंदर तय हो जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा मंच पर उपस्थित चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने देश के अंदर किसानों का सम्मान बढ़ाया, मान बढ़ाया, और सच्चे अर्थशास्त्री के रूप में अगर कोई किसान नेता इस देश को दिया तो चौधरी चरण सिंह जी, जो गरीब किसान के घर पर जन्म लेके देश के सबसे बड़े पद प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया, यूपी के कई बार मुख्यमंत्री रहे, और उनके पुत्र हमारे भाई पूर्व एमपी जयंत चौधरी जी, जो आज इस कार्यक्रम के अंदर दिल्ली से अपना सारा व्यस्तम प्रोग्राम छोड़कर हमारे बीच आए, मैं धन्यवाद दूंगा जयंत जी को, इनकी पूरी लोकदल की टीम को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, कि आपने पूरा आज हमारा जोश उत्साह बढ़ाने के लिए, समर्थन देने के लिए आप पधारे। और सबसे बड़ा धन्यवाद जो पूरे राजस्थान के अंदर मैं जाता था और मेरे स्पीच के अंदर मैं एक बात कहता था कि मेरे साथ हम पहले एक बात कहते थे कि किरोड़ी लाल जी ने शंखनाद किया और मैंने हुंकार भरी मारवाड़ की धरती से, और घनश्याम जी तिवाड़ी जो बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर बगावती तेवर के अंदर राजस्थान की विधानसभा के अंदर इस भाजपा के आंतरिक लोकतंत्र को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कई बार पुरजोर तरीके से प्रयास किया, मामला उठाया, और किसान हितों की जहां भी बात हुई विधानसभा के अंदर तो किरोड़ी लाल जी तो हमें छोड़ के चले गए। शंखनाद इन्होंने जरूर किया था, लेकिन वो शंख रह गए और वसुंधरा की झोली के अंदर उस शंख को ले जाके उस झोली में डाल दिया किरोड़ी लाल जी ने। अब मेरे साथ
घनश्याम जी तिवारी लगातार जहां भी इनसे कोई पूछता है तो ये कहते हैं हनुमान मेरा भाई है, हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। और आप मुझे राजस्थान के किसी भी कोण में पूछते हो, शहरी क्षेत्रों में मैं जाता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं, तो बच्चे एक ही बात पूछते हैं कि घनश्याम जी कब आएंगे साथ में, तो मैं उनको सबको एक ही बात कहता हूं कि जयपुर की रैली के अंदर घनश्याम जी निश्चित रूप से अपने साथ खड़े होंगे और हम मिलकर इस आजादी की दूसरी लड़ाई को जोरदार ढंग से राजस्थान के अंदर लड़ेंगे और व्यवस्था को बदल देंगे राजस्थान के अंदर। मैं धन्यवाद दूंगा घनश्याम जी तिवारी को कि हमें आशीर्वाद देने के लिए आप यहां आए। इस राजस्थान के सबसे वरिष्ठ विधायक तो है ही है और सबसे विद्वान और सबसे अच्छा अगर राजस्थान की विधानसभा के अंदर कोई बोलता है तो 10 साल से तो मैं लगातार इनको सुन रहा हूं। और ये भी भाई साहब कल मुझे कह रहे थे कि यार हनुमान तेरे गुस्सा ज्यादा आता है, तो मैंने कहा मेरी उम्र 44 है और आप मेरी उम्र में थे तब आप भी बहुत लड़ते थे, तो ये कह रहे थे मुझे भी गुस्सा ज्यादा आता था उस समय, तो मैंने कहा मैं धीरे धीरे अब ठीक कर लूंगा मामला। वैसे वसुंधरा घनश्याम जी भाई साहब के अंडर में काम की हुई है, पहले जब ये युवा मोर्चा का अध्यक्ष थे तो वो युवा मोर्चे की सेक्रेटरी थी, मतलब घनश्याम जी वसुंधरा के बॉस रहे हैं राजस्थान के अंदर। मैं भाई साहब को ये पूछ रहा था कि भाई साहब आपके तो यहां इसने काम किया था, लेकिन अब समय समय की बातें, कई बार कई लोग बिना संघर्ष के ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कई उन्हें जीवन बिता दिया, सांसद भगत सिंह ने दी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, शुरुआत तांतिया टोपे ने की, राज किसी के हाथ लगा, तो हमारे हाथ में तो लगता है कि संघर्ष लिखा है। और भाई साहब भी इस उम्र में संघर्ष कर रहे हैं और मैं जो इन्होंने बीजेपी के अंदर रहकर हमें संघर्ष सिखाया, मैं भी इनकी परिपाटी भी चल रहा हूं, लड़ना सिखाया, हम भी लड़ रहे हैं। और हमने आंतरिक लोकतंत्र की बात बीजेपी के अंदर मैंने कही थी जब मुझे बाहर निकाला, और 13 के अंदर राजस्थान की जनता ने दोनों पार्टियों की जमानत जब्त करा के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा, 7 निर्दलीय हम जीते थे, 6 गहलोत और वसुंधरा की गोद के अंदर बैठ गए, अकेले हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसान और जवानों की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक आपके लिए करता रहा। और कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आई कि सरकार से आमने सामने की टक्कर की नौबत आ गई, लेकिन हमने किसी भी बड़े आंदोलन के अंदर पुलिस की गोली नहीं चलने दी, पुलिस की लाठी नहीं चलने दी और हमारे छोटे भाइयों पे मुकदमे दर्ज नहीं होने दिए। हमने सरकार को डराया और सरकार से डरा के जिस बात की हुंकार नागौर की धरती से भरी थी, विसर्जन राजस्थान के नारों से राजस्थान मजबूत नहीं हो सकता, हमने कहा जब तक राजस्थान का किसान मजबूत नहीं होगा, जवान मजबूत नहीं होगा, राजस्थान के अंदर नए उद्योग नहीं लगेंगे, हर खेत को सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा, तब तक राजस्थान मजबूत नहीं होगा। पहली हुंकार नागौर की धरती से भरी और 1 लाख की जो संख्या के रिकॉर्ड होते थे वो तोड़ दिए और नागौर की धरती पे 5 लाख जवान किसान इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हनुमान बेनीवाल को आशीर्वाद देने के लिए 7 दिसंबर 2016 को नागौर की धरती पर कूच किया आप सबने। और दूसरी हुंकार बाड़मेर की धरती से भरी, बाड़मेर तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है और बाड़मेर में जब हुंकार भरी दिल्ली की सियासत के अंदर भूचाल आ गया, इतना बड़ा मैदान जिसको भरने की कोई सोच नहीं सकता उस मैदान को भी भर दिया आपने, और बाहर जितने भी टावर पोल और पेड़ थे 1 किलोमीटर तक हनुमान बेनीवाल के समर्थक तेजाजी के भक्त उन 1-1 किलोमीटर दूर से उस रैली को देख रहे थे, उसका लाइव टेलीकास्ट था। दिल्ली तो हिली लेकिन पाकिस्तान में हलचल हो गई कि इतने सारे किसान के बेटे बॉर्डर पे क्या कर रहे, मिलिट्री का तो कोई मूवमेंट नहीं है, कहीं अटैक नहीं कर दे, कहीं पाकिस्तान में घुस नहीं जाए, पाकिस्तान को भी डरा दिया हमने हुंकार से। तीसरी हुंकार बीकानेर की धरती से और चौथी हुंकार
शेखावाटी से भरी। जब किरोड़ीलाल जी मुझे छोड़ के चले गए थे बीकानेर की रैली के बाद, तब लोगों ने कहा था कि किरोड़ीलाल जी चले गए अब हनुमान जी भी चले जाएंगे। कोई कहता था अमित शाह सेटिंग कर रहे हैं, कोई किसी और की बात करता था, कोई राहुल गांधी की करता था। मैंने कहा मैं किसी से सेट नहीं होता, अगर सेट होता तो मैं वसुंधरा को बीच में छोड़ के नहीं भागता मेरे भाइयों, मैं वहीं रह जाता। मैं तो घनश्याम जी तिवाड़ी से सेट हुआ था और किरोड़ीलाल जी से हुआ था, वो तो चले गए मुझे छोड़ के। और सीकर की रैली के अंदर आप लोगों ने इतनी ऊर्जा मुझे दी कि सीकर का वो स्टेडियम और 3 किलोमीटर तक की सड़कें आज तक की ऐतिहासिक रैली हुई, और प्रदेश के जवानों ने जो आंधी नागौर से चली थी सीकर के अंदर, आपने उसे तूफान बना दिया और आज राजधानी की सड़कों पर सुनामी आ गई। न तो पायलट का पता लगेगा और न गहलोत बचेगा, और वसुंधरा तो सात समंदर पार चली जाएगी जहां उसका दोस्त ललित मोदी उसका इंतजार कर रहा है। आज वसुंधरा तो गई सात समंदर पार मेरे भाइयों। और घनश्याम जी जब मंच में साथ आ गए तो भारतीय जनता पार्टी के तो एजेंट गांव के अंदर एजेंट भी नहीं मिलेंगे बूथों पे, ऐसी स्थिति राजस्थान के अंदर होगी। जो चिंगारी नागौर की धरती से उठी थी आज जयपुर की धरती पे वो ज्वालामुखी बन गई, और प्रदेश का नौजवान इस बार भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ रहा है। मेरे मीडिया के साथी मुझे पूछते हैं कि तीसरा मोर्चा आज तक नहीं बना, 90-92 में से लेकर लगातार जब लास्ट में जनता दल और लोक दल ने संघर्ष किया था और किसान नेता एक एक करके हाशिए पर चले गए, तीसरा मोर्चा कैसे बनेगा? तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि घनश्याम जी लगेंगे, मैं लगूंगा, जैन जी लोक दल से आए हैं ये भी लगेंगे, जवानों के अंदर इनका अच्छा प्रभाव है देश के अंदर प्रदेश के अंदर, और हमारे जितने भी साथी नेता है आज से हम उन सब से बात करेंगे। हम चाहेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर वोट नहीं जाए, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ वोट बंटे नहीं, और तीसरे मोर्चे की सरकार राजस्थान के अंदर बने और किसानों की सरकार राजस्थान में बने, ताकि जिन मुद्दों को लेकर हमने लड़ाई की शुरुआत करी थी, वो पहली मांग थी कि जब दिल्ली के धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो सकता है तो राजस्थान के किसानों का 82,000 करोड़ का संपूर्ण कर्जा माफ हो, यह हुंकार की पहली मांग थी। दूसरी हमारी मांग थी विंड एनर्जी सोलर एनर्जी के उत्पादन के बाद राजस्थान बिजली उत्पादन के अंदर उन 5 राज्यों में शुमार हो गया जो देश के अंदर सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करते हैं। इसलिए हमने मांग करी कि सरकार 4 रुपए में बिजली खरीद के 90 पैसे में देती है, 3 रुपए की सब्सिडी भी देती है, तो सरकार को 90 पैसे भी किसान से नहीं लेने चाहिए, मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिलनी चाहिए। तीसरी हमारी मांग थी कि 4 लाख पद खाली है, 4 लाख खाली पद सरकार भरे, 4 लाख किसान के बेटों को नौकरियां लगाए, और उसके बाद अगर डिग्रीधारी नौजवान कोई बेरोजगार रह जाता है और आगे अपना कैरियर चुनने के लिए पढ़ाई कंपटीशन देना करना चाहता है तो उसे 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाए, ये उकार की तीसरी मांग थी। चौथी मांग हमारी थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देश और प्रदेश सरकार लागू करे, और स्वामीनाथन आयोग इसलिए बना था जब उड़ीसा महाराष्ट्र के अंदर और दूसरे कई प्रदेशों के अंदर अधिक उत्पादन के बाद जब किसान आत्महत्याएं कर रहे थे तो दिल्ली की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग बनाया और उस आयोग ने रिपोर्ट दी कि किसान इसलिए आत्महत्या कर रहा है कि उन्हें उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलता, किसान को उपज का दाम मिले, हर खेत को सिंचाई का पानी मिले, सूखे इलाके हैं वहां भी जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं बांध बना के सूखे इलाकों के अंदर पानी लाया जाए तो अपने आप किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। हमने मांग करी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी राजस्थान और देश के अंदर लागू हो, और एक हमने मांग करी मजबूत लोकपाल इस प्रदेश के अंदर लागू हो, क्योंकि पिछली 3 लोकायुक्त की रिपोर्ट के अंदर 15 FIR लोक सेवकों के और अधिकारियों के खिलाफ करने की मुख्यमंत्री को रिपोर्ट लोकायुक्त ने दी है, लेकिन मुख्यमंत्री
अपने खिलाफ रिपोर्ट खुद नहीं करता। इसलिए भाइयों, उत्तराखंड मध्य प्रदेश की तर्ज पर मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने, इस बात की भी पुरजोर पैर भी हमने इन हुंकार रैलियों के माध्यम से की, ताकि विधायकों के, सांसदों के और मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार पे भी रोक लगे। मैं धन्यवाद दूंगा घनश्याम जी तिवाड़ी को, जिन्होंने मुख्यमंत्रियों के और पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगलों को हटाने की और मुख्यमंत्री के बंगले पे और पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले पे जो करोड़ों रुपए जनता की खून पसीने की कमाई खर्च कर दी, उसकी एसीबी से, लोकायुक्त से जांच कराने की इन्होंने मांग की थी और मैंने विधानसभा में इस मांग का समर्थन भी किया था। लेकिन कौन आपकी बात को सुनेगा? तो सरकार होगी जब भी सुनेगा। और घनश्याम जी वो व्यक्ति है, जब 3 से 8 के अंदर वसुंधरा की सरकार थी, वो नौकरियां वसुंधरा राजे ने नहीं दी थी। जब शिक्षा मंत्री थे, अगर 80,000 टीचर्स की भर्ती की, प्रबोधक पैरा टीचर को अगर स्थायी नौकरी दी, वो शख्स घनश्याम तिवाड़ी थे, जिन्होंने अपने दिमाग की उपज से इस राजस्थान के बेरोजगारों को एक बहुत बड़ा संबल दिया था। भाइयों, एक हमारी मांग थी टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए। जब हम रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स किस बात का? इसलिए हमने मांग करी कि राजस्थान भी टोल मुक्त हो। ये हमारी लड़ाइयों का ही परिणाम है। सड़कों पर हुंकार भरी, विधानसभा के अंदर लड़े, उन हार्डकोर अपराधियों से लड़े जो जेलों के अंदर समानांतर सरकार चला रहे थे। राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र राठौड़, यूनुस खान जैसे लोग उन अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे। खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा, जब दारा सिंह जाट का एनकाउंटर हुआ था, तो आखिरी कॉल वसुंधरा राजे ने लंदन से किया था कि एनकाउंटर कर दो, किस तरह धरती पुत्र की हत्या की थी। लेकिन उस मामले में भी कांग्रेस ने उनको बचाया। और सीएम ने जो गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर करी, जो भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर किया, अगर उसका किसी ने पुरजोर मुकाबला किया और विधानसभा के अंदर भी अगर सीएम को बोलने से रोका, प्रयास किया, तो क्यों उतर के विधायक ने कांग्रेस से ज्यादा विपक्ष की भूमिका निभाई? या तो घनश्याम जी बीजेपी के अंदर रहकर लड़ रहे थे और विपक्ष में हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा था इन अपराधियों से भी, जो आपको पता है किस तरह का तांडव उन्होंने राजस्थान के अंदर मचाया। मेरे भाइयों, उन अपराधियों को उनके अपराध के अगर उनको अंजाम तक पहुंचाया, तो आपके भाई की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राजस्थान के अंदर थी। हमने कहा कांग्रेस और भाजपा एक है, 20 साल के अंदर गहलोत वसुंधरा ने मिलकर भ्रष्टाचार किया। अशोक गहलोत ने अपने चेते लोगों को जोधपुर के अंदर खान आवंटित कर दी, जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसरों की भर्ती कर दी, और वसुंधरा ने बदरी घोटाला, खान घोटाला, जब उससे पेट नहीं भरा तो जलदाई का घोटाला कर दिया, पीएमटी का एग्जाम रद्द हुआ, और सड़कों पे ऐसा नंगा नाच हुआ राजस्थान के अंदर। अभी आपने देखा होगा कि आचार संहिता से पहले पूरे प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल पर थे, लेकिन वसुंधरा राजे की जिद्दी सरकार ने उन हमारे कर्मचारी भाइयों से बात करना भी उचित नहीं समझा और अचानक से आचार संहिता लगवा दी। कर्मचारियों का जितना बड़ा अपमान वसुंधरा सरकार ने किया है, उतना बड़ा अपमान आज से पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया। ये भी हमारे भाई है, कर्मचारी भी, किसान हमारे हैं, व्यापारी भी हमारे हैं, हम तो ये भी करेंगे। अगर सरकार के आसपास भी बैठ गए तो मेरे भाइयों बता दूं कि कर्मचारियों की वाजिब मांगे भी मानेंगे, 7वें वेतन आयोग को जो लागू कराने की बात है उसको भी करेंगे, जवानों को रोजगार देंगे, और पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में अगर शामिल कर ले तो इसके भाव नीचे उतर जाएंगे। वेट और घटा दिया जाए तो आम आदमी को फायदा हो सकता है। ये काम कौन करेगा? ये काम सरकार करेगी। सरकार कौन बनाएगा? आप बनाओगे। जिस तरह भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई के अंदर अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, भगत सिंह को पूछा कि आपने असेंबली बम फेंक दिया, आपको फांसी हो जाएगी, तब उन्होंने कहा मुझे फांसी हो जाए इस बात का गम नहीं, मेरी भारत माता गुलामी की भेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल ने भी राजस्थान की राजनीति के अंदर भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ाई लड़ी है। मेरे भाइयों, मैं पूरा भरोसा मुझे राजस्थान के नौजवानों पे, किस बार प्रत्येक नौजवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ेगा, और माताएं बहने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर इस आजादी की दूसरी लड़ाई को लड़ेगी, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के इस गठजोड़ को आप खत्म कर दोगे। मेरी आज जो नई पार्टी आप सबकी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो आज हमने
नई पार्टी बनाई, राजस्थान के जवानों किसानों की इच्छा थी। हम सत्ता प्राप्ति से पहले बहुत बड़ा आंदोलन करके आपको राज दिलाना चाहते थे और हमारी लड़ाई का ही परिणाम था कि 50,000 का कर्जा माफ हुआ, स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए और जाति जाति वसुंधरा ने 5 हॉर्स पावर तक की मुफ्त बिजली की घोषणा करी और 1,00,000 किसान के बेटों को रोजगार के साधन भी दिए, नौकरियां भी निकाली और स्वामीनाथन आयोग की आंशिक रिपोर्ट लागू हुई। फिर आप सबकी इच्छा थी कि नई पार्टी बने, अब आप जिद कर बैठे तो मैं भी जिद्दी हूं, लेकिन आप मेरे से भी ज्यादा जिद्दी हो, इसलिए नई पार्टी हम लेके आपके सामने आए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP, और इसका चुनाव चिन्ह है बोतल। ये पानी की बोतल की तरह, इसमें ट्रांसपेरेंसी है पानी की बोतल की तरह। मेरे भाइयों, अपने इसको दूसरी बोतल मत समझना, आप दूसरी वाली बोतल समझ लेते लोग, ये वसुंधरा जी वाली बोतल नहीं है, वो तो कांच की बोतल होती है, अलग टाइप की, ये अलग टाइप की बोतल है। ये वो बोतल है जो बच्चा भी स्कूल जाता है तो ये बोतल लेके जाता है। हम भी देखो, हमारे पास सबके पास बोतल पड़ी है, आप भी बोतल से पानी पी रहे हो और पानी की इस राजस्थान को आवश्यकता भी है। हम ये चाहते हैं कि पूरे राजस्थान को शुद्ध पीने का पानी मिले, प्रत्येक गांव ढाणी तक शुद्ध पानी मिले, ताकि मिनरल वाटर जो बिक रहा है दुकानों पर उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़े। और ये बोतल एक चीज में और काम आएगी, ये भूत और भूतनी का जो खेल चल रहा है ना, अशोक गहलोत भागता भूत और वसुंधरा भूतनी, भूत और भूतनी को जब घनश्याम जी भाई साहब अपने मंत्रों से पकड़ेंगे तो बोतल में बंद करना पड़ेगा इनको। इसलिए ये बोतल का चिन्ह राजस्थान के लिए एक नया संकेत है, निश्चित रूप से बांसुरी बजेगी और बोतल चलेगी राजस्थान के अंदर। लेकिन मैं इतना ही आह्वान करूंगा नौजवानों को कि इस बोतल को शाम को 8 बजे बाद दूसरे रूप में यूज मत करना ज्यादा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं नौजवानों से, मेरे छोटे भाइयों से एक आह्वान करता हूं, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहकर हमें हमारे माँ बाप का सीना चौड़ा हो ऐसा काम करना है, हमें राजस्थान के अंदर परिवर्तन करना है। जब तक चुनाव हो उससे पहले एक ही लक्ष्य रखना है कि एक एक व्यक्ति 10-10 वोट बढ़ाएगा, हर व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यम से, चाहे हमें राजस्थान के अंदर बड़े बूढ़ों के पैर पकड़ने पड़े, किसी भी तरह करना पड़े, अगर इस बार चूके तो 50 साल तक कोई लड़ाका आपको लड़ने के लिए नहीं मिलेगा मेरे भाइयों। क्योंकि हमें अगर मंत्री बनना होता तो वसुंधरा गहलोत की सैंडल चप्पल उठा के 15 साल पहले मैं मंत्री बन जाता, लेकिन मैंने कहा मैं जिद्दी हूं, मैंने जिद कर ली, मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के जब तक राजस्थान के किसानों की सेवा करूंगा, जब तक असली किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, जब तक किसानों की सरकार राजस्थान के अंदर नहीं आ जाती। भाइयों, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा कि सरकारी स्कूल के अंदर हमारे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, गरीब किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां टीचर नहीं है, स्कूल बंद कर दिए और अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है। हालात ये हो गए कि पुलिस थाने के अंदर स्लोगन लिखा है कि अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, होता उल्टा है। अपराधी तो 8 बजे बाद थानों में दारू पीते हैं और आम जन 8 बजे बाद चला जाए तो दो डंडे मार के, SHO ड्यूटी पे नहीं हो तो DO ड्यूटी पे, SI या सब इंस्पेक्टर जो भी होगा, वो उसको बंद कर देगा। हम इस पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आम आदमी, गरीब आदमी जब थाने तहसील के अंदर जाए उसे सम्मान मिले, आओ बाबा क्या काम है। और अपराधी इतने डरे कि रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां इस राजस्थान की सड़कों पर निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, ऐसा पुलिस का इकबाल हम राजस्थान के अंदर कायम करना चाहते हैं। क्या हालात हो गए, 1 साल की बच्चियां, 2 साल की बच्चियां, 3 साल की बच्चियां दरिंदगी का शिकार हो रही है। और एक कल मैं पढ़ रहा था, एक बाप अपने बेटे की हत्या कर रहा है 6ठी क्लास के, एक दादी अपनी पोती को डुबो रही है। मतलब कहीं ना कहीं मानसिक जो लोगों के अंदर कुंठा है इसको दूर करने का भी प्रयास इस प्रदेश के अंदर, इस देश में करना होगा। मेरे भाइयों,
ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल के अंदर अगर आप जीत गए वो दिन दूर नहीं। उत्तर प्रदेश से जैन जी बैठे हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे लाटर साहब आए प्रतिनिधि के रूप में, और ये सब अगर मिल जाएंगे, सारी पार्टियां मिल जाएगी, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान का जवान मिलके ये सेमीफाइनल जीतने के बाद देश की गद्दी पे भी किसी किसान के बेटे को बिठा सकता है। इतनी ताकत इन राजस्थान के और देश के जवानों के अंदर नजर आ रही है। मेरे भाइयों, ये तूफान से पहले की शांति है। आज से मुझे लग रहा है कि जिस कलर का झंडा आपको मिला है और ये बोतल का चिन्ह मिला है, मुझे लग रहा है कि राजस्थान के गांव गांव डाणी डाणी अगले 48 घंटों के अंदर वही झंडा नजर आएगा। ऐसा मुझे आपका जोश देख के लग रहा है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग प्रचार करते समय भी दिन छिपने से पहले अपने घर आ जाएंगे, नहीं तो रात को प्रचार भी आप मुझे लगता नहीं करने दोगे। वैसे रात को कोई नहीं घूमता राजस्थान के अंदर, एक ही व्यक्ति घूमता रात को, या तो घनश्याम जी घूमते हैं यहाँ पे, और दूर राजस्थान में अगर कोई घूमता है तो हनुमान बेनीवाल सुबह 3 बजे भी इस राजस्थान की धरती पे 24 घंटे आपकी सेवा के लिए निकलता है। धौलपुर से जैसलमेर और डूंगरपुर से गंगानगर का ऐसा कोई इलाका नहीं होगा जहां हनुमान बेनीवाल नहीं गया। 15 साल का मेरा संघर्ष, 10 साल का कॉलेज विद्यालय की राजनीति से, जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर अध्यक्ष था तब भी आपकी बहुत सेवा करी, और यहां 10 साल जो मुझे संघर्ष के लिए मिले तो पूरा दम लगा के मैंने लड़ाई लड़ी, प्रयास किया, कोशिश की, और मेरे भाइयों को संगठित किया, आपको लक्ष्य दिया कि मिशन 18 पूरा करना है। और ये मिशन 18 ऐसा है कहा डिग्री लेते ही जवान को रोजगार का साधन मिले, किसान खुशहाल हो, मंडी के अंदर माल लेके जाए तो किसान का माल रिजेक्ट नहीं हो, ऐसी स्थिति हम राजस्थान के अंदर लड़ना चाहते हैं। भाइयों, अगर एक बार आपने हमारा साथ दे दिया और एक बार इस कांग्रेस बीजेपी के आया राम गया राम के खेल को खत्म कर दिया, वो दिन दूर नहीं, 20 साल के अंदर गहलोत और वसुंधरा ने जो भ्रष्टाचार किया उस भ्रष्टाचार की जांच भी कराएंगे, और दोनों को जयपुर की एक स्पेशल जेल के अंदर बंद कर देंगे। तब मीडिया के भाई कह रहे थे पुरुष महिला की तो अलग अलग जेल होती है, कैसे कर दोगे, तो मैंने कहा एक दीवार निकलवा देंगे बीच में, सरकार तो स्पेशल जेल वो घनश्याम जी भाई साहब से पूछ लेंगे कि कैसे करेंगे, ये बता देंगे उसमें क्या सिस्टम होता है। तो ये करके और आपके खून पसीने की कमाई जो ललित मोदी, विजय माल्या जैसे लोग लेके भागे हैं, ये दिल्ली में तो काला धन वापिस नहीं ले पाए, लेके आए, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान के किसानों की खून पसीने की कमाई व्यर्थ नहीं जाएगी। जहां प्रदेश के किसानों का पसीना बहेगा, हनुमान बेनीवाल खून देके भी उन किसानों का मान और सम्मान और स्वाभिमान हमेशा बचाएगा। और मेरे छोटे भाइयों को जब तक सत्ता के शिखर पर नहीं बिठाएगा, मैं इसी तरह संघर्ष करता रहूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे मीडिया के भाइयों को कि अगर मीडिया नहीं होता तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस बीजेपी ने हाथ मिला लिया था, न तो बजरी घोटाला खुलता और न खान घोटाला खुलता और न पीएमटी का घोटाला खुलता और न आरपीएससी का घोटाला खुलता। ये मीडिया ही था जिन्होंने आरपीएससी के भ्रष्टाचार की बात करी, हमने मामला उठाया, आरपीएससी के चेयरमैन को हटाया, लेकिन सारे मामले जब ठीक हो सकते हैं जब सत्ता की चाबी आपके हाथ में हो। सत्ता की चाबी अगर आपके हाथ में आ गई तो आराम से फुटबॉल खेलना, अगर आपका मन हो जाए कि गोल जैसलमेर में करना है तो जैसलमेर गोल कर देना, और आपका मन हो जाए कि वसुंधरा के मेल में गोल करेंगे तो वसुंधरा के मेल की तरफ टिक लगा देना, फुटबॉल का गोल वसुंधरा के मेल में हो जाएगा। इसके लिए सरकार चाहिए, और सरकार के लिए जो ताकत आज आपने लाखों की तादाद में इकट्ठा होकर जयपुर की धरती पर दिखाई है, आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली कूच भी करेंगे। और मैं तो धन्यवाद दूंगा जैन जी को और इनकी पूरी जो किसान यूनियन की टीम है, दिल्ली के अंदर इतना बड़ा आंदोलन किया, दिल्ली सरकार हिल गई, डर गई, एक दिन अगर और किसान सड़कों पर बैठे रहते
तो दिल्ली की सरकार झुक जाती, पूरी मांगे मानती। मेरे भाइयों, मैं भरोसा दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल आपको सत्ता के सिंहासन के नजदीक लेके जाएगा, आपको धोखा नहीं देगा, राज के अंदर आने का मौका देगा। हम तमाम उन पार्टियों से जो हमसे बात करना चाहेगी, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, उनसे गठबंधन की बात भी करेंगे। घनश्याम जी और हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, राजस्थान के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे और वसुंधरा गहलोत के इस गठजोड़ को तोड़ेंगे और जितने इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार पैदा वसुंधरा ने किया और पाल पोस के बड़ा गहलोत ने किया, ये सब आपके सामने। मैं धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान के कोने कोने से आप लोग आए, हरियाणा से भी मेरे भाई आए, कई भाई मेरे यूपी से भी आए, पूरे जो आज देश प्रदेश के कोने कोने से सबने आके इस विशाल रैली को, मां ओंकार रैली को सफलतम रैली बनाया। आज नई पार्टी और नया चिन्ह, आज आप सबको, हम सबकी तरफ से गठबंधन में आपने देख लिया कि घनश्याम जी, हम, जयंत जी, हम सब साथ खड़े हैं। सपा के लाटर साहब आए, सब लोग दिल्ली से संदेश लेकर आए कि हमें मिलकर राजस्थान के अंदर लड़ना है, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है और हमारे भाइयों को आगे बढ़ाना है और धरती पुत्रों का राज राजस्थान के अंदर लाना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।